हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों आज का ये ब्लॉग है हमारा। दोस्तों आज मैं जाने वाली हूँ इंदौर, क्योंकि मेरा जो कैमरा है वो छत पे से गिर गया था। जो छत है उसके ऊपर से नहीं गिरा था, तो ऐसे ही ट्राईपोड पे रख के वीडियो शूट कर रही थी मैं, तो हवा चली और ट्राईपोड गिर गया और जो कैमरा का लेंस था वो आगे का टूट चुका है। मैं अभी आपको दिखा दूँगी, वो टूट गया, वो सुधरवाने जा रही हूँ। यहाँ तो गांव में, विलेज में तो कोई शॉप ही नहीं है, तो अब वहीं जाना पड़ेगा। इंदौर में यहाँ पास में गुना है, अब गुना में भी नहीं है कोई कैमरा सुधरवाने की जगह। और भी मुझे काफ़ी सारे काम है। मेरा माइक टूट गया था, मैंने अमेजन से ख़रीदा था, फिर मुझे ये वाला नया माइक ख़रीदना पड़ा बोया का। अब यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं था, उस टाइम बहुत ज़्यादा ही कोरोना चल रहा था तो वहाँ पर भी नहीं जा सकते थे। अब थोड़ा सा डाउन हो गया है, तो अब जा रहे हैं वापस से वहाँ पर। काफ़ी मज़ा आने वाला है, एक्साइटेड, बिकॉज दीपावली आने वाली है और दीपावली में वहाँ पे मार्केट राजवाड़ा तो बहुत पसंद है मुझे। हद से ज़्यादा शॉपिंग करना मुझे बहुत पसंद है, नई नई चीज़ें खरीदना, इयररिंग्स खरीदना, ज्वेलरी खरीदना बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं जाने वाली हूँ वहाँ पर, और अभी हम लोग पैकिंग करने वाले हैं, जाने की तैयारियाँ करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अभी देख सकते हैं मैं इंदौर में हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना मास्क निकाल लेती हूँ। दोस्तों हम लोगों को इंदौर आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 दिन हो गए, तो मैं अपना ब्लॉग यहाँ पर नहीं बना पाई थी, बिकॉज जिस काम के लिए मैं आई थी वो मेरा कैमरा ख़राब हो गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये कैमरा हम लोगों ने सुधरवा लिया है और अब से हमारे चैनल पर आते रहेंगे ब्लॉग्स, वीडियो बहुत सारे, शूटिंग वीडियो भी आते रहेंगे हमारे, जो हम सोनम प्रजापति चैनल पे करते हैं। दोस्तों अभी इंदौर में आए हैं और यहाँ पर देखिए ये घर जाने की तैयारियाँ भी होने लगी हैं। यहाँ पर मैं पैकिंग कर रही थी, तो दोस्तों हम लोग यहाँ इंदौर वापस आए थे 5 महीने के बाद। जब यहाँ पे रूम आए 5 महीने के बाद, तो पूरे रूम में इतनी गंदे तरीके से धूल ही धूल हो गई थी, और मतलब हर एक चीज़ बहुत गंदी हो गई थी। तो पहला दिन तो हमको सफाई में ही लग गया, पहले दिन हमने पूरे दिन सफाई ही की। और अब मैं कल शॉपिंग करने मार्केट गई थी, तो यहाँ पे मतलब अब तो बस नाम ही रह गया कोरोना। मार्केट में इतनी भीड़ थी, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा, तो मैं मार्केट के अंदर घुसी नहीं, मैं मतलब बाहर से, मार्केट के बाहर से ही आ गई, क्योंकि इंदौर में जो राजवाड़ा है उसमें बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। पर मैंने ना वहाँ से एक चीज़ ली है, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी मैंने क्या ख़रीदा है। मैंने दोस्तों इंदौर से बस बहुत ही कम शॉपिंग की है। ये देखिए, ये एक नेकलेस ख़रीदा है मैंने, ये पूरा सेट है इसका, ये नेकलेस ख़रीदा है। बाकी ये सारी ज्वेलरी, मेकअप्स वगैरह यहाँ पे इंदौर में सामान रखे हुए थे, तो मैंने सोचा इनको घर पे ही ले चलती हूँ। तो घर पे हम लोग अभी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, बच्चों की भी छुट्टियाँ चल रही हैं, गांव में बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं, तो वहाँ पे उनकी वीडियो बनाने लगे रहते हैं हम। और इसके अलावा ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने इंदौर में चॉकलेट का पैकेट ख़रीदा है, बच्चों के लिए बहुत पसंद है। तो और यहाँ पे इसमें कुछ मेरे मेकअप्स के सामान रखे हुए हैं, ये भी नेकलेस है जिसको मैं अपने घर पे ले जाने वाली हूँ। और ये हमारा इयररिंग्स का कलेक्शन है, जिसमें बहुत सारे हमारे इयररिंग्स रखे हुए हैं, ये ले जाने वाली हूँ। और ये मैंने बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदे थे, बोतल, पानी की बोतल, तो उनके लिए ये ले जाने वाली हूँ घर पर। और ये है हमारी बहुत ही अच्छी चीज़ जो मेरी बहुत फेवरेट है, ये है हमारी बिग लड़की बनने की, इसको भी मैं अपने घर पे ले जाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में हम क्या करते हैं, लड़कों को लड़कियाँ बना देते हैं, तो उसी लिए ये बिग लगा दिया करेंगे तो और मस्त लगा करेगा। ये है कट्टा, और जिसमें हमारे सर्दी के कपड़े रखे हुए हैं सारे, उसमें हमारे सर्दी के कपड़े रखे हुए हैं, वंदना राकेश मेरे, जिसको मैं अपने घर पे ले जाने वाली हूँ। और ये देखिए हमारा 17% रूम खाली हो चुका है, तो ये देखिए यहाँ पे अभी बिल्कुल खाली खाली डला हुआ है। ये देखिए, लुक इट दिस। और जब हम आए थे तब पूरा बहुत गंदा हो गया था ये। अब मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का एरिया। ये देखिए,
दोस्तों जब यहाँ से मैं इंदौर गई थी 5 महीने पहले, तब ये पेड़ बहुत ही छोटा था। ये मेरा फेवरेट पेड़ है, इसको मैंने उगाया था, बहुत बहुत पसंद है मुझे ये। अब ये बहुत बड़ा हो गया है। और देखिए यहाँ पे हमने छत पे कुछ गमले में पेड़ पौधे उगाए हुए हैं। यहाँ पर एक टमाटर का पेड़ है, ये देखिए इसमें 3 टमाटर्स भी लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये वाला खाली पॉट है, और इनमें भी पता नहीं कुछ कुछ लग रहा है। तो ये हमारा आउटसाइड व्यू है घर के। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये है रोज, मैं भी खड़ी हुई हूँ 3rd फ्लोर पे। और ये देखिए, दोस्तों आज हम लोग निकलने वाले हैं। भैया और मैं, हम दोनों आए हुए थे, तो आज रात को हमारी 8 बजे की ट्रेन है जिससे हम लोग जाने वाले हैं। तो हम सिर्फ 2 दिन के लिए ही आए हुए थे यहाँ पे। अब जल्दी जल्दी से मुझे ये सारी पैकिंग करना है, इसके बाद फिर वापस से ट्रेन से हमारा रिजर्वेशन है, फिर अगले दिन फिर वीडियो बनाना चालू। तो आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे, देखते रहिए। फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पे एक स्ट्रेटनर करते हुए एक सुंदर सी लड़की नज़र आ रही है, जो पिछले आधे घंटे से अपने बालों को स्ट्रेट कर रहे हैं, पर उस लड़की के बाल स्ट्रेट होने का नाम ही नहीं ले रहे। वो कर करके थक चुकी हैं, बहुत ही परेशान अपने बालों से, आज तेल भी नहीं डाला था। ख़राब तो नहीं हो गया? वैसे भी बहुत गर्म है, इससे भी काम हो जाएगा। बहुत बहुत गर्म हो गया, इट्स ओके, लाइट नहीं जल रही। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स, क्या इस खूबसूरत लड़की के बाल स्ट्रेट होते हैं या नहीं। एक बार आप चेहरा भी देख लीजिए। सो फ्रेंड्स ये देखिए, हमारे कितने सारे बैग्स हो चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और साथ में ये कट्टा भी ले जाने वाले हैं हम। और घर की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, दीदी आ गए हैं गुना से, और गुना से आने के बाद इन्होंने 2 दिन का ब्लॉग नहीं बनाया है, और अब जाने का ब्लॉग बनाएंगे। हाँ, क्योंकि मेरा कैमरा ख़राब हो चुका था, इसलिए ब्लॉग नहीं बनाया था। फ्रेंड्स अभी हम लोग बस कुछ ही देर में निकलने वाले हैं, अभी शाम के बज गए हैं 6, और 8 बजे हमारी ट्रेन है, तो हमको प्लेटफॉर्म पे 7 बजे पहुंचना पड़ेगा। तो आज का इस ब्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, कन बाय करो फ्रेंड्स को, बाय।